हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनिता स्मूकर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्सी ब्लीच करना। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखना कि मैं ब्लीच को कैसे अप्लाई कर रही हूँ, कैसे रिमूव कर रही हूँ, इसका सारा प्रोसेस आप देखिए। और जो बिगिनर्स हैं वो भी अच्छे से सीखें। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको पूरा स्टेप्स बता रही हूँ। आप खुद के ब्लीच कर रहे हो या किसी क्लाइंट के कर रहे हो तो आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, क्लिंजर, यह है अरोमा का क्लिंजर है, क्लिंजिंग मिल्क है। जो भी आपके पास क्लिंजिंग मिल्क है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं लूँगी हैंड में और फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी, जो भी मिट्टी डस्ट फेस पर हमारे लगा हुआ है ये अच्छे से फेस को डीप क्लीन करता है, हमारे पोर्स तक जाता है। आपके फेस पे जो भी मेकअप लगा है अच्छे से आप उसको रिमूव कर लीजिए, या फिर आप नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करके भी आप अगला स्टेप कर सकते हो ब्लीच की। ये मैंने पानी ले लिया है बाउल में और कॉटन ले लिया है। आप प्रोडक्ट भी देखते जाइए क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या क्या हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है। कॉटन से मैंने फेस को क्लीन किया है। जो भी काजल वगैरह जैसे आईज़ पे लगाया है वो अच्छे से हम रिमूव करेंगे। ये आप देख रहे हैं कॉटन में लग गया है। अब टिश्यू से ड्राई करने के बाद फेस को ब्लीच का अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम। तो ये ऑक्सी ब्लीच है, ये काफ़ी अच्छी ब्लीच है। सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कोई भी स्किन के हैं जो लोग ये ब्लीच कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है ये। इससे कोई भी रेडनेस नहीं होती अगर इसका प्रोसेस सही तरीके से किया जाए तो, स्टेप्स अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे। तो ये मैंने वन स्पैचुला ब्लीच ले लिए। अगर आप नेक पे भी लगाना है तो थोड़ा सा और ले सकते हैं। मैं ज़रा सा नेक पे भी लगाऊंगी तो मैं थोड़ा सा और लूँगी। और इसके साथ आता है एक्टिवेटर, इस तरह की इसमें दो डब्बियाँ आती हैं। तो जितनी हमने ब्लीच ली है उसका हमने एक चौथाई हिस्सा लेना है हमने एक्टिवेटर। और ये हमारे पास दो ब्रश हैं, एक पैक ब्रश एक ब्लीच ब्रश। तो पैक ब्रश नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इससे इसके जो ब्रिसल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ब्लीच के लिए आप अलग से ब्रश ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से नहीं मिक्स करोगे तो उसके जो एक्टिवेटर है जो है वो स्किन में हमारे कहीं कहीं लग के फिर नुकसान कर सकता है स्किन को। ये प्री ब्लीच क्रीम है, इसके साथ मिलती है, इसको हम अप्लाई करेंगे। और ये है सेकंड पोस्ट ब्लीच क्रीम, इसको हम ब्लीच के एंड में लगाएंगे, हम ब्लीच उतारने के बाद। तो आप ये ध्यान से देख लीजिए। तो पहले जो प्री ब्लीच क्रीम है ये हम अप्लाई करने के बाद ही हम ब्लीच लगाएंगे। इसको स्किन पे अच्छे से लगा के छोड़ देना है हमने, बिल्कुल स्किन में ऑब्जर्व नहीं करना, बस लगाना है थोड़ा सा। ये स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है, इससे कोई भी रेडनेस वगैरह नहीं होगी इस ब्लीच से। और ब्लीच में आप देखा होगा आपने कि किसी में आपको प्री ब्लीच क्रीम पोस्ट जेल नहीं मिलती। इसके बाद मैं ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ। जो भी हेयर आपके साइड में है, साइड लॉक्स में, इसको आप ऊपर करके अच्छे से अप्लाई कीजिए। जैसे ये मैं कर रही हूँ आप देख रहे होंगे। अपर लिप्स पे अच्छे से लगाना है हमने, फोरहेड पे। तो ये ब्लीच मेरी अप्लाई हो गई है और जल्दी जल्दी लगाना है आपने, टाइम नहीं लगाना, नहीं तो उसका असर जो है वो कम हो जाएगा। 10 मिनट रखेंगे हम, और बीच में अगर कोई इरिटेशन हो रही है तो आप 5 मिनट पहले भी चेक कर सकते हैं। मैं आईज़ के नीचे चेक कर रही हूँ कि कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं है अभी। तो वहाँ से मैंने हटा ही दिया है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ से। तो वहाँ से हटाने के बाद मैं नीचे ही अप्लाई कर रही हूँ दोबारा से। और इसके बाद 10 मिनट बाद मैं फिर से चेक कर रही हूँ, तो मेरी ब्लीच जो है वो अच्छे से नहीं हुई है, थोड़े थोड़े अभी बाल ब्लैक बीच में दिख रहे हैं। तो मैं इसको दोबारा से लगा रही हूँ।
दूसरी साइड भी मैंने चेक की है पर अभी अच्छे से नहीं हुई है। और 15 मिनट बाद मैंने दोबारा से चेक की है तो मेरी ब्लीच हो चुकी है। 15-20 मिनट बाद आपकी ब्लीच ज़रूर हो जाएगी और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मुझे कोई भी इरिटेशन नहीं हुई इस ब्लीच से। मैं अपने क्लाइंट्स के भी यही ब्लीच करती हूँ, बहुत अच्छी ब्लीच है ये। मैं खुद के भी यही करती हूँ। और ब्लीच के जो हैं थोड़े ग्रैनुल्स उसके थोड़े से मोटे दिखते हैं तो मुझे सूट नहीं करता वो। ये मैंने क्लीन कर लिया है और अब टिश्यू से फेस को ड्राई करेंगे। फेस वॉश कर लिया मैंने एक बारी नॉर्मल पानी से। और लास्ट जो मैंने आपको बताया था प्रोसेस, ये लास्ट पोस्ट जेल जो है इसकी प्री ब्लीच ब्लीच की जो जेल है ये लगाऊंगे मैं। पोस्ट ब्लीच जेल है ये। इसको लगाने के बाद हमने बस छोड़ देना है इसको 5 मिनट और कुछ भी फेस वॉश वगैरह स्क्रब कुछ नहीं करना हमने। आप कोशिश कीजिए कि आप धूप में भी मत जाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये ऑक्सी ब्लीच की पूरी किट है। और भी मेरी वीडियोस देखिए। ओके, मिलते हैं